हाँ जी बेटा, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे 8वीं जमात लई साइंस प्रैक्टिस टैसट सीरीज चौथी। पहले तीन पार्ट आपां पहला डिस्कस कर चुके, ठीक है बेटा। अगर तुसीं नहीं देखिया तां इस चैनल दी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उहदे थ्रू तुसीं देख सकते हो। चलो आपां स्टार्ट करते हैं अपनी अज्ज दी वीडियो। ये जिहड़े क्वेश्चन ने तुहाडे कंपीटिशन एग्जाम नैस NMMS PSTSC टर्म वन परीक्षा लई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा। चलो आप स्टार्ट करते हैं अपनी अज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है साड़ा, मीना दे अध्यापक ने दस्या कि भारत एक खेती प्रधान देश है, वाढ़ी का समा किसानों लिए खुशी का समा हुंदा है। भारत के बख बख हिस्सों में कई अजिहे त्यौहार हैं जिहड़े वाढ़ी नाल जुड़े हैं। हेठ लिखे विचों किहड़ा त्यौहार वाढ़ी नाल नहीं जुड़िया है? तो पोंगल, वैसाखी, बीहू, ये तीनों ने जिहड़े ये वाढ़ी नाल संबंधित त्यौहार हैं, ते दिवाली है जिहड़ा वह वाढ़ी नाल संबंधित त्यौहार नहीं है, ठीक है जी। चौथी ऑप्शन आनी सी इहदे साडी, अमन के पिता जी अपने खेत के नेड़े पशुओं के मल मूत्र का ढेर लगाते हैं जिस तो रूड़ी की खाद तैयार हो जाती है। रूड़ी खादा बारे हेठ लिखे विचों किहड़ा कथन सही है? रूड़ी खादा कार्बनिक पदार्थ हैं, ये बिल्कुल सही है। रूड़ी खादा भूमि में मलण प्रदान करदियां हैं, ये भी सही है। रूड़ी खादा पानी नूं सोख के रखदियां हन, पानी सोख के रखदियां हन, ये भी सही है। मतलब सारे सही है, उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन है इहदे लई चौथी ऑप्शन सारे सही आ जूगी, मलेरिया फैलाउण वाले प्रोटोजोआ का वाहक किहड़ा है? मलेरिया जिहड़ा फैलाउंदा है बेटा, उस मच्छर नूं असीं बोलदे हां मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। पहला भी आप चेक एक बार क्वेश्चन किया, भी आप दस्या सी जो मादा एडीज मच्छर हों, इनू एंडीज भी लिखा हों कई बार, वह डेंगू का वाहक है, डेंगू नू फैला है, ठीक है जी। तो मादा एनफ्लीज मच्छर मलेरिया। नैक्सट क्वेश्चन, फसल बीजन तो कुछ दिन पहला गीता खेत में गई, उसके पिता जी खेत में हल चला रहे सन। गीता ने अपने पिता जी तो पूछा कि वह की कर रहे सन? गीता के पिता जी ने जवाब दिता कि वह भूमि की तैयारी कर रहे हैं। भूमि की तैयारी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है भी? पोली मिट्टी विच जड़ां साह लै सकदियां हन, ये सही है। पोली मिट्टी सूखम जीवां ते गुणवान नूं वधण फुलण विच मदद करती है, ये भी सही है। मतलब पहले दोनों कथन जिहड़े वह सही है। हेठ लिखे विचों किहड़ा रोग पौद्यां विच पाया जाता है? जुकाम, बुखार, हैपेटाइटिस, ए मनुखां विच पाए जाते हैं, ठीक है, या जीव जंतुओं कह लिए। जिहड़ा येलो मोन मोजेक है, ये किन्हां विच पाया जाता है? पौद्यां विच, फोर्थ ऑप्शन। गुरमीत अपने माता जी दे नाल बाजार गया, उसने माता जी कुकर खरीदना चाहते सन। दुकानदार ने उन्होंने एक नवी किस्म का कुकर दिखाया जिस विच भोजन नहीं चिपकता सी। गुरमीत बहुत हैरान होया कि इस उत्ते किस प्रकार की परत होगी जिस नाल भोजन नहीं चिपकता। तो गुरमीत दुकानदार ने दस्या कि यह डैश की वरतों कि डैश की वरतों इस बनाने लई कीती जांदी है। हाँ जी, इस क्वेश्चन लई साडा सही आंसर है टैफलॉन। इहदे विच टैफलॉन की वरत चढ़ाई हुंदी है जिस नाल भोजन जिहड़ा वह नहीं चिपकता। सारे संश्लिष्ट रेशियां नूं वख-वख प्रक्रियावां द्वारा तैयार किया जाता है, पर यह सारे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल डैश तो तैयार हुंदे हन। किस तो तैयार हुंदे भी? पैट्रोकैमिकल्स, पैट्रो रिसाइन। बबीता इस दिवाली पर अपनी रसोई में नवे डब्बे खरीदना चाहती है, वह डब्बे लेना चाहती है जिहड़े भार विच हल्के, मजबूत, अक्रियाशील ते हंडनसार होण। वह हिटिंगा विचों किसनू चुनेगी? किसनू चुनेगी भी? प्लास्टिक। प्लास्टिक है जिहड़ा वह अक्रियाशील है, हल्का है, मजबूत ते हंडनसार है। जदों रोहित ने धात की गोली हेठां सुट्टी तां आवाज़ पैदा हुई, यह धातां दे किस गुण कारण होया? धुनिक, सोनोरस। धातां जिहड़ियां वह आवाज़ पैदा करदियां ने, उस करके उन्हां नूं धुनिक कहा जाता है। रोशनी दी माता जी ने उसके जख्मों उत्ते बैंगनी रंग का घोल लगाया, यह घोल की है? कहदा घोल है? भी यह आयोडीन का घोल है जिहड़ा जख्मों उत्ते लगाया जाता है। जदों तुसीं सल्फर नूं पानी विच घोलोगे तां की होएगा?
कोई क्रिया नहीं होगी, सल्फर पानी नाल कोई क्रिया नहीं करती। अध्यापक ने क्लास में पूछा कि करोड़ों साल पहला जंगल धरती हेठ दब के गल सड़ के कोले विच बदल गए, इस क्रिया नूं की आखदे हन? भी कार्बनीकरण। इस क्रिया नूं की आखदे हन? कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण। अध्यापक ने विज्ञान प्रयोगशाला विच मेज ते कुछ वस्तुआं वख वख ग्रुप बना के रख दित्तियां। इन्हां विचों विद्यार्थियों नूं पेट्रोलियम उपज दीआं वस्तुआं दे ग्रुप नूं पछाणन लई कहा गया। किहड़ा ग्रुप सही चोण होएगा? ग्रुप ए दे विच पैराफिन, मोम, स्नेहक। ग्रुप बी च लकड़ी, कोला, लोहा। किताब, पेंसिल, स्केल, आलू, प्याज, मटर। तो किहड़ा होएगा? भी बहुत सिंपल ही है, तो किहड़ा होएगा? ग्रुप ए, पैराफिन, मोम ते स्नेहक। अध्यापक ने क्लास में दस्या कि पेट्रोलियम ते प्राकृतिक गैस तो कई लाभदायक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्होंने पैट्रो रसायन आखते हैं। इन्हां दी वरतों डैश विच हुंदी है, डिटर्जेंट बनाउण विच, इन मेकिंग डिटर्जेंट, इन मेकिंग पॉलीमर, संश्लेषित रेशे बनाउण विच, प्लास्टिक बनाउण विच, सारिया चीज़ों विच, मतलब उपरोक्त सारे ऑप्शन इहदे लई सही आ जूगी। अज हेमा ने साइंस लैब विच एक उपकरण देखिया, तो दिते चित्र विच उपकरण पछाणन विच हेमा दी मदद करो। ये तुसीं हॉस्पिटल दे विच भी देखिया होना, ठीक है, स्कूलों दे विच भी हुंदा, कॉलेजों दे विच, ठीक है बेटा, साइंस लैब दे विच भी तुसीं देखिया होऊ। तो यह जिहड़ा यंत्र है इसनूं असीं बोलदे हां अग बुझाऊ यंत्र। इहदे विच लिक्यूफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुंदी है जिहड़ी कि अग बुझाउण दे विच मदद करदी है। संदीप ने सुखपाल तो पूछा कि जिहड़े पदार्थ बलन द्वारा बाष्पित हुंदे हन, बलन द्वारा वह की पता करते हैं? भी लाट, फ्लेम, ठीक है। पेट्रोल अते सीएनजी का कैलोरी मुल क्रमवार 4500 किलो जूल पर किलोग्राम अते 5000 किलो जूल पर किलोग्राम है। जे तुहाड़े कोल कोई वाहन है तो तुसीं किहड़े बलन नूं तरजीह दोगे? भी सीएनजी नूं, क्योंकि इसका कैलोरी मुल है जिहड़ा वह ज़्यादा है, सीएनजी। प्रवासी पंछी डैश कारण लंबिया दूरियां तय करते हैं, किस कारण लंबिया दूरियां तय करते हैं? भी जलवायु परिवर्तन कारण, क्लाइमेट चेंजेस कारण, जिहड़े मौसम दे विच परिवर्तन आउंदे हन उस कारण। चिड़ियाघर अते जीवन जंगली जीवन रखां विच की अंतर है? तब बेसिक जिहड़ा डिफरेंस की है भी रखा जिहड़ियां हुंदियां उन्हां विच जंतुआं नूं कुदरती निवास स्थानां दे विच ही रख्या जांदा है, पर चिड़ियाघरां विच उन्हां नूं बनावटी निवास स्थानां विच रख्या जांदा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, पंचमढ़ी जीव मंडल रिजर्व विच खास तौर पर पाए जाने वाले दो स्थानक पौधा प्रजातियां कड़े ने? भी साल सागवान भी है, अंब जामुन भी है, सिल्वर फर्न ते अर्जुन, मतलब तीनों ऑप्शन सही ने, मतलब उपरोक्त सारे ऑप्शन असी लावांगे, ऑल ऑफ अबव। केंद्रक अते सैल झिल्ली दे विचकार जैली वर्गे पदार्थ नूं असी की आखदे हां बेटा? सैल द्रव आखदे हां जां साइटोप्लाज्म, ठीक है। नैक्सट, क्लोरोप्लास्ट जां क्लोरोफिल किस प्रकार के सैलां विच पाए जांदे हन? क्लोरोप्लास्ट जां क्लोरोफिल किहदे विच पाए जांदे ने? भी पौधा सैल दे विच, प्लांट सैल। अध्यापक ने अज डड्डू दे काया परिवर्तन बारे पढ़ाउण वेले बच्चों नूं पुछया कि तुसी डड्डू दे अंडे देखे होणगे, तुसी दसो कित्थे देखे? छप्पड़ दे पानी विच, बरसाती पानी विच, चिर तो खड़े पानी विच। हाँ जी, इस दे जिहड़े डड्डू दे अंडे ने उह छप्पड़ दे पानी विच, ठीक है, जिथे भी डड्डू रहिंदा उत्थे, बरसाती पानी विच, चिर तो खड़े पानी विच, जिथे भी पानी है, कहिंदा मतलब जिथे डड्डू रहिंदे ने उत्थे हरेक थां ते मिल सकदे ने, मतलब उपरोक्त सारे। राजवीर ने अपनी अध्यापक नूं कुछ बिजली मुलम्मा कर वस्तुओं की उदाहरण पूछी, उस दी अध्यापक ने जवाब दिता पहिए दे रिम, बर्तन, जानी कि यूटेंसिल्स, ज्वैलरी, गहने। उपरोक्त सारे ऑप्शन इहदे लई सही आऊगी, ठीक है। बिजली मुलम्मा करन एक हुंदा भी किसी धात ते जिहड़ी ज़्यादा क्रियाशील हुंदी आ उहदे ते अक्रियाशील धात की परत चढ़ाई जाती है जिहड़ी क्रिया नहीं करती। जदों वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु निषेचित करे तो युग्मक बच्चा डैश विकसित हुंदा, तो जिहड़ा एक्स इधर वाई तो की बनना? एक्स वाई।
तो जदों एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो उदों की पैदा होंगे नर जां असी लड़का कह लिए, जदों एक्स एक्स हो जाते हैं उदों लड़की पैदा होंगी है, जां असी कह लिए भी मादा, तो इस केस दे विच की होएगा नर बच्चा विकसित होएगा। पहली ऑप्शन, कुछ बच्चे किशोर अवस्था दौरान तेजी नाल वधदे हन, कुछ हौली हौली, इसका की कारण है? भी माता पिता तो प्राप्त जीन, उस अवस्था में खादा गया भोजन, मतलब दोनों ही इंपोर्टेंट ने भी बच्चे की सेहत आ जी किशोर अवस्था में किहोजी होएगी, पहला ते दूजा दोवें। रगड़ बल सारिया गतिशील वस्तुओं पर लगता है, इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा तो उल्ट होंगी है, की होंगी है भी उल्ट। ठीक है, रमेश ने आपतन कोण 30 डिग्री ते एक किरण दर्पण उपर सुटी, तो दसो परिवर्तन कोण कितना होएगा? भी 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परिवर्तन कोण की होंगे ने बराबर होंगे ने, परिवर्तन के नियम में असं पढ़ते हाँ भी आपतन कोण बराबर होंगे परिवर्तन कोण के। नैक्सट क्वेश्चन, विकास जानना चाहता कि बिजली सर्किट विचों करंट लंघ रहा है या नहीं। जोड़ा ये सर्किट लग्या हुआ बेटा ये नींबू के रस विचों नहीं लंघता, जोड़ा नींबू का रस है वह बिजली में कंडक्ट करता है, करंट लंघता वो, तो इस विच हाँ साडा आंसर आएगा जस। नैक्सट, दीपिका अपने भरा तो उस विज्ञानी का नाम पूछना चाहती सी जिसने 1752 में आकाशी बिजली और चार्जा बारे खोज की, तो उसके भरा ने हेठ लिखे विचों केड़ा लिखा नाम दसया होएगा? केड़ा दसा सी? भी बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने दसा सी आकाशी बिजली बारे। ठीक है जी, तो यह सी बेटा अपना 8वीं जमात लई साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर कह लिए या प्रैक्टिस पेपर कह लिए चौथा। नेक्स्ट आप पार्ट बहुत जल्द तुहाडे लई हल करांगे। थैंक यू।